देव क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी स्टडी भी चल रही होगी। लेकिन उस स्टडी के साथ में हम आपको कुछ ऐसी बेहतर चीज़ें देना चाहते हैं जो आपकी परीक्षाओं में चार चांद लगा देंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, इस लॉकडाउन के कारण विद्यालय, कोचिंग संस्थान सभी बंद रहे। कई जगह पर ऑनलाइन कोचिंग संपन्न हुई और कई जगह पर नहीं भी हुई, तो इन सभी में नुकसान सिर्फ बच्चों का हुआ है। हमारी तरफ से प्रयास ऐसा रहा है कि हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान भी अपनी क्लासें निःशुल्क और लगातार तरीके से जारी रखी हैं। सभी सब्जेक्टों की ऑनलाइन क्लासें और सभी क्लासों की सब्जेक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में आप कक्षा 6वीं 7वीं से लेकर 10वीं तक के सभी छात्र बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं और इसके ऊपर की कक्षाओं के जो भी छात्र हैं वो भी इस एप्लीकेशन को अपने आप में दोहरा कर इसको तैयार करके और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एप्लीकेशन के दो पार्ट हम पहले दे चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में आप जितने भी एप्लीकेशन देखेंगे ये सारे अति महत्वपूर्ण हैं और छाटे गए हैं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अनसोल्ड से छाटी हैं और जो चीज़ हमें ऐसा लगा है कि जो प्रतिवर्ष पूछा जा सकता है उन चीज़ों को हमने आपके सामने रखा है। अगर आपको देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो आप एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को लाइक करना और एक अपना कमेंट, जो भी आपके मन में भावनाएँ हों हमारे चैनल और हमारे सब्जेक्ट और हमारी मेहनत को देखते हुए, वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। राइट एन एप्लीकेशन का मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, माने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, में अपने विद्यालय के, आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखो फॉर चेंज द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू। आपने जो सब्जेक्ट चुने थे आप उनको चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। ये जो पत्र और लेटर, ये जो एप्लीकेशन और लेटर में थोड़ा सा फर्क होता है। लेटर फॉर्मल व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे रिलेशनशिप में हो गया, घर परिवार में हो गया, ये आपके लेटर चलेंगे। लेकिन जहाँ ऑफिशियल जगह हो जाती है वहाँ पर आपके एप्लीकेशन होते हैं और एप्लीकेशन में हम स्टार्टिंग में बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे लिखा होगा इसमें टू द प्रिंसिपल के इंटर कॉलेज, तो के इंटर कॉलेज की जगह पे मैं अपने एरिया के विद्यालय का नाम लेता हूँ, अखंड इंटर कॉलेज कबरई डिस्ट्रिक्ट महोबा। यहाँ पर सर लिखने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, अति सम्मान के साथ सूचित करते हैं, आई बेग टू सर दैट आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई, कि मैंने जुलाई में साइंस ग्रुप में अपना एडमिशन लिया था। आई अटेंड द क्लास फॉर ए मंथ, और मैंने एक महीने तक क्लासें भी ज्वाइन की, बट इट इज वेरी टफ फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कठिन रहा। आई हैव गॉट वेरी पुअर मार्क्स, आई हैव गॉट माने मैंने प्राप्त किए, वेरी पुअर मार्क्स माने बहुत ही कमजोर नंबर, इसका मतलब मैंने बहुत ही कम नंबर प्राप्त किए इन मंथली टेस्ट, जो भी मंथली टेस्ट था वहां पर मैंने बहुत ही कम अंक प्राप्त किए। सो आई वॉन्ट टू चेंज माई साइंस ग्रुप इन टू आर्ट ग्रुप, इसलिए मैं साइंस ग्रुप से हटकर आर्ट ग्रुप में जाना चाहती हूँ, या आर्ट ग्रुप को लेना चाहती हूँ, किसकी जगह, साइंस ग्रुप की जगह आर्ट ग्रुप को लेना चाहती हूँ। देयर फोर माने इस प्रकार, काइंडली अलाउ मी ऑफर, इसलिए आप से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मुझे अलाउ करें, क्या अलाउ करें, आर्ट ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस, साइंस ग्रुप की जगह आप मुझे आर्ट ग्रुप प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ओब्लिगेट टू यू, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। यहाँ पर जो थैंक यू और योर ओबिडेंटली और ए वाई जेड है, ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, इतनी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी, तो आप इनको यहाँ से यहाँ लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए शुरू से इसी को देख लेते हैं, टू द प्रिंसिपल अखंड इंटर कॉलेज कबरई डिस्ट्रिक्ट महोबा, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सर दैट आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई। देखिए पढ़ना भी एक कला होती है, किसी भी अक्षर को यदि आप फुड़गर पढ़ते हैं तो उस अक्षर में उतनी सुंदरता नहीं होती,
और इंग्लिश भी पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगी और सुनने वाले को भी मज़ा नहीं आएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि इंग्लिश को स्पीड से और साफ सुथरा बोलने की कोशिश करें। जैसे मैंने पढ़ा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेट आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई, जहाँ पर फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है। इसके बाद आई अटेंड द क्लास फॉर ए मंथ बट इट इज वेरी टफ फॉर मी, आई हैव गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन मंथली टेस्ट सो आई वॉन्ट टू चेंज माई साइंस ग्रुप इन टू आर्ट ग्रुप, देयर फोर काइंडली अलाउ मी ऑफर आर्ट ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू, थैंक यू योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, जिसको आप बॉक्स के अंतर्गत बंद करेंगे। एक बार मैं इसका अर्थ फिर से बताता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सेट, अति सम्मान के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि आई टुक एडमिशन इन साइंस ग्रुप इन जुलाई, कि मैंने अपना एडमिशन जुलाई में साइंस ग्रुप में लिया था। आई अटेंड द क्लास फॉर ए मंथ, और मैंने एक महीने तक क्लासें भी ज्वाइन की, बट इट इज वेरी टफ फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही टफ रहा। आई हैव गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन मंथली टेस्ट, मैंने मंथली टेस्ट में बहुत ही कम नंबर प्राप्त किए, इसलिए सो माने होता है इसलिए, आई वॉन्ट टू चेंज माई साइंस ग्रुप इन टू आर्ट ग्रुप, इसलिए आप मुझे साइंस ग्रुप से अलग करके आर्ट ग्रुप में कर दें, देयरफॉर काइंडली अलाउ मी ऑफर आर्ट ग्रुप इन प्लेस ऑफ साइंस, इसलिए आप मुझे साइंस ग्रुप की जगह आर्ट ग्रुप को ऑफर दें, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू, मैं आपका या आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। ये था ये एप्लीकेशन, उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें सब्जेक्ट चेंज के लिए बोल दें तो भी यही लिखना है, पूरा साइड चेंज करने के लिए बोलते, जैसे साइंस वर्ग से आर्ट वर्ग में कोई आ रहा है तो भी यही लिखा जाएगा। अगला एप्लीकेशन देखिए, अगले में लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंस कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन, मतलब आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखो जिसमें ये दर्शाना है कि आप उनसे फीस में छूट चाहते हैं, जो कि लॉकडाउन में भी आप सभी की उम्मीद है अपने विद्यालय से कि जो कम से कम जमा कर ले वही हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, बहुत सरल सा है, देखने में बहुत बड़ा है लेकिन सरल बिल्कुल है, टू द प्रिंसिपल अखंड इंटर कॉलेज।